राजस्थान में खेल दिया मोदी सरकार ने बड़ा दांव। वंदे भारत की दी सौगात, क्या निशाने पर है चुनाव? रमजान में राजस्थान को दी वंदे भारत की सौगात, अब दिल्ली से अजमेर शरीफ ट्रेन भरेगी रफ्तार। क्या इस दांव से मुसलमान आएंगे बीजेपी के साथ? साल 2019 में लगातार दूसरी बार सत्ता संभालते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ लेने के बाद एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और इसी नारे के दम पर उन्होंने कहा था, आने वाले 5 सालों में हमें अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले छल में छेद करना है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। सत्ता संभालते ही मुसलमानों के साथ होने वाले छल में छेद करने का वादा करने वाले पीएम मोदी की सरकार ने मुसलमानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए जहां ऐतिहासिक कानून बनाकर उन्हें 3 तलाक से आजादी दिलाई, तो वहीं एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान का नारा देकर उनकी शिक्षा पर भी खूब जोर दिया। और अब रमजान के पवित्र महीने में देश के मुसलमानों को मोदी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दे दी है। इस बार मोदी सरकार ने मुसलमानों की जियारत गाह अजमेर शरीफ को सीधे राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है, जिससे श्रद्धालु बेहद कम समय में दिल्ली से अजमेर शरीफ पहुंच सकेंगे। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे पीएम मोदी ने इस दौरान राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और मोदी सरकार से मिली इस सौगात के लिए ताली बजाकर आभार जताया। मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। मोदी सरकार ने सेमी बुलेट ट्रेन कही जाने वाली वंदे भारत की सौगात राजस्थान को ऐसे समय में दी है जब कुछ महीनों में इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान की 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा दबदबा रहता है। इसलिए माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने मुस्लिमों के सबसे पवित्र महीने रमजान में राजस्थान को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। और ये ट्रेन भी जिस अजमेर शरीफ को राजधानी दिल्ली से जोड़ेगी, वो अजमेर शरीफ मुसलमानों के लिए एक बड़ी जियारत गाहों में से एक मानी जाती है। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी भी इस अजमेर शरीफ की दरगाह पर हर साल चादर भेजते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से रमजान के महीने में राजस्थान को वंदे भारत की सौगात दी है, उसे मुस्लिम वोट बैंक साधने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी पुष्कर के साथ साथ अजमेर शरीफ का भी नाम लिया
और बताया कि आस्था के इन स्थलों तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को अब और आसानी होगी। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान की राजनीति में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर भी तंज मारते हुए कार्यक्रम में आने के लिए मित्र बोलकर उनका आभार जताया। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है, आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। चुनावी राज्य राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर पीएम मोदी ने जहां मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए बड़ा सियासी दांव चल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम गहलोत की खिंचाई करने से भी नहीं चूके। बहरहाल बात वंदे भारत एक्सप्रेस की करें तो ये ट्रेन दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी, जो उसी रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर तक 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस वक्त देश में कुल 13 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है। दिल्ली जयपुर अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, जबकि देश की पहली वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। इसके अलावा मुंबई से गांधीनगर, मैसूर से चेन्नई, विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद, नई दिल्ली से अंदौरा, न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा, माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली, सोलापुर से मुंबई, शिरडी से मुंबई, बिलासपुर से नागपुर, सिकंदराबाद से तिरुपति और चेन्नई से कोयम्बटूर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेनें शामिल हैं। बहरहाल मोदी सरकार ने रमजान के खास मौके पर जिस तरह से राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, बीते 2 महीनों में ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है।